हेलो एवरीवन स्वागत है आपका एक्सप्रेसो के एक नए वीडियो पे तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी डाओ थ्योरी के और दो प्रिंसिपल्स तो जैसे कि मेरे लास्ट टू वीडियोस आप चेक कर सकते हैं एक्सप्रेसो के साइट पे चैनल पे तो वहाँ पर मैंने बेसिकली डाओ थ्योरी के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं तो मैंने ऑलरेडी थ्री प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो आप रेफर कर सकते हैं तो जैसे कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल हमारा था कि द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इट्स इंफॉर्मेशन और दूसरी हमारा था कि द प्राइमरी ट्रेंड हमारे मार्केट में बेसिकली थ्री ट्रेंड्स होते हैं पहला है आपका प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था और जो मेरा सेकेंड वीडियो था उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी ट्रेंड के बेसिकली थ्री फेजेस होते हैं तो जो फेज़ होते हैं फर्स्ट होता है हमारा एक्यूमुलेशन फेज देन होता है हमारा पार्टिसिपेशन फेज और फिर होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो इसके डिटेल्स में आप मेरी पिछले वीडियोस में देख सकते हैं और इस वीडियो में बेसिकली मैं आप इसका फोर्थ प्रिंसिपल आपको बताऊंगी कि फोर्थ प्रिंसिपल डाउ थ्योरी क्या कहता है फोर्थ एंड फिफ्थ प्रिंसिपल हम इस वीडियो में बेसिकली कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है डाउ थ्योरी का तो ये है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल तो फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंडिसस मस्ट कन्फर्म ईच अदर अब इस पर हम समझते हैं कि वॉट डज दिस मीन्स लाइक इंडिसस का क्या मतलब है इंडिसस मस्ट कन्फर्म ईच अदर सो जैसे कि मैं इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो पहले हम इसका थोड़ा सा पास्ट में देखते हैं कि इसे डाउट ने क्यों इसे इंडिसस मस्ट कन्फर्म ईच अदर इस थियरी के नाम से बताया था

और जो इंडस्ट्रियल एवरेज था तो इंडस्ट्रियल मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो ये क्या होता था ये रेल रोड्स के थ्रू मतलब एक अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रा, ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो इंडस्ट्रीज थे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे कैसे इंटरकनेक्टेड थे कि जैसे कि सपोज आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो आपका ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो आपका रेल रोड है वो प्रॉफिट में रहेगा तो इसलिए ये दोनों इंटरकनेक्टेड है बट ये अभी के मार्केट के हिसाब से हम ये रेलेवेंट नहीं है अभी करेंटली हम क्योंकि ये फॉलो नहीं करते तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारे जैसे अगर इंडियन मार्केट में हम इसे समझना चाहें तो ये कैसे हो सकता है तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जैसे कि पहले बैंकिंग स्टॉक्स का तो पहले आप ये समझ जाइए जैसे बैंकिंग स्टॉक्स है तो बैंक निफ्टी जैसी होती है बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं इसमें डिफरेंट बैंक्स आते हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक एच डी एफ सी बैंक तो बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स से बनती है और निफ्टी आई टी है तो निफ्टी आई टी में जैसे हमारा हो गया सारे आई टी स्टॉक्स होते हैं वैसे ही हमारा निफ्टी ऑटो है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं तो इनमें जो स्टॉक्स होते हैं उसका एक डिफ परसेंटेज होता होता है, उसकी वेटेज होता है मतलब वेटेज इस पर्टिकुलर इंडेक्स भी. तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग वो कैसे एक दूसरे को हम इंडेस को देखकर वो एक दूसरे को कंफर्म करते हैं और हम ट्रेंड पता लगा सकते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है आ, हम एक एग्जाम्पल लेंगे टीसीएस का तो टीसीएस जैसे कि आपको पता है कि टीसीएस एक हो गई हमारी आईटी स्टॉक्स तो टीसीएस अगर हम समझना चाहें तो हम देखते हैं जैसे कि हाँ तो टीसीएस क्या है टीसीएस एक आईटी स्टॉक है सॉरी या टीसीएस या दिस वन टी इज अ आईटी तो ये निफ्टी आईटी के अंदर आता है तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टी का चार्ट प्लॉट किया है तो टी का चार्ट अगर हम देखते हैं ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ये मैंने इसको कंपेयर किया है तो कंपेयर करके मैंने क्या किया है ये है हमारा निफ्टी आईटी ये बेसिकली हमारा निफ्टी आईटी का इंडेक्स है तो निफ्टी आईटी क्या करता है इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है इस कंपेरिजन में हमें क्या मिलता है कंपेरिजन में बेसिकली हमारे साथ ये होता है कि जैसे कोई सेक्टर है पर्टिकुलर जैसे आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर में अगर हमें ये से ये पता चलेगा कि आई सेक्टर में डिमांड कितनी है और अगर आई सेक्टर की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उस पर्टिकुलरली आई सेक्टर का जो स्टॉक है क्या वो भी इंक्रीज हो रहे हैं क्या वो दोनों ही हैंड इन हैंड

तो ये जो है ये हैंड इन हैंड गो कर रहे है, मतलब ये भी रेजिंग पे है तो ये हमारा ट्रेंड क्लियर है कि ये अप ट्रेंड में है और हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं तो ये कन्वर्जेंस है तो यहां पर हम अगर देखेंगे देखिए यहां पर ये नीचे आया और ये भी नीचे आया यहां पर ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर गया तो ये आप देख सकते हैं कि ये अकॉर्डिंगली ही एक्ट कर रहा है देखिए ये भी नीचे है तो ये जो इस इस सिचुएशन को हम कहते हैं जबकि स्टॉक जो है वो ऑलरेडी बुलिश है और जो निफ्टी आईटी है हमारा जो इंडेसिस है निफ्टी आईटी जिसका ये पार्ट है जिसमें वो भी बुलिश है तो ये हम एक ट्रेंड पता लगा सकते हैं और इसके बेसिस पे हम एंट्री ले सकते हैं तो इसलिए इस ड्राउथ थियोरी में ये बताया गया है कि इंडेसिस कंफर्म ईच अदर तो ऐसे देखकर आप पता लगा सकते हैं सेम गोल्स विद बैंक निफ्टी क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत लोग ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी यही सेम चीज है आप स्टॉक्स इंडिविजुअल स्टॉक्स देखिए जैसे एच डी एफ सी बैंक आपको नहीं पता चल रहा कि एच डी एफ सी बैंक मुझे इस टाइम पे एच डी एफ सी बैंक में एंट्री करनी चाहिए यानी आप उसका चार्ट देखिए आप उसका कंपेयर कीजिए इंडस्ट्रीज के साथ आप देखिए कि वो एज पर ट्रेंड जो इंडस्ट्रीज जैसा मतलब उसका बैंक निफ्टी जैसा मूव कर रहा है क्या एच डी एफ सी बैंक में वैसा ही मूव कर रहा है अगर दोनों में आपको आ, ए, सेम लेवल पे सेम स्टॉक सेम बिहेव कर रहा है और विथ बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो और एचडीएफसी बैंक दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कन्वर्जेंस सिचुएशन है और यहाँ पर हम एक एंट्री ले सकते हैं ये हम एक अच्छी सिचुएशन बोल सकते हैं एज ए ट्रेडर के लिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है इसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ मारुति का तो मारुति का अगर हम देखेंगे स्टॉक तो इसमें मैंने एक, ये निफ्टी ऑटो का स्टॉक है तो निफ्टी ऑटो का है आप यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर आप ऑटो सेक्टर को देखेंगे तो ये ऑटो सेक्टर ने यहाँ पर मूवमेंट नहीं दिया ये डाउन मूव पे है लेकिन मारुति जो है वो यहाँ पर ऊपर गई है ये अप मूव पे है तो क्या हम ऐसे इस कंडीशन में क्या हम इस स्टॉक पे एंट्री कर सकते हैं इस इस सिचुएशन पे हम इस स्टॉक पे एंट्री नहीं कर सकते इस लेवल पे क्यों क्योंकि जो हमारा क्योंकि ये एक डाइवर्जेंस है और क्योंकि जो जिस सेक्टर का ये पार्ट है निफ्टी ऑटो ऑटो सेक्टर का ये पार्ट है मारुति वो सेक्टर ही डाउनवर्ड्स मूवमेंट पे है और ये बिल्कुल इसके अपोजिट में चल रहा है मतलब हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि बेसिकली इस सेक्टर में डिमांड नहीं है अगर इस सेक्टर में डिमांड नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस स्टॉक में डिमांड होगी इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे ऑटो सेक्टर का ऑटो सेक्टर का सपोज कोविड का सिचुएशन था कोविड के सिचुएशन में जैसे व्हीकल्स नहीं आ, लोगों ने नहीं परचेस किया क्योंकि लोग घर से काम कर रहे थे लोगों को व्हीकल की जरूरत नहीं थी और लोगों ने परचेज नहीं किया तो ऑटो सेक्टर ऑटोमेटिकली इंपैक्ट हुआ है बट उस सिचुएशन पे इस हम देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर डाउन मूव में जाता गया है लेकिन मतलब डाउन मूवमेंट दे रहा है बट इस टाइम पे अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अप मूव पे जा रहा है जैसे कि मारुति हो गया तो क्या हम उस ट्रेंड को पे मतलब

ये सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये मैं इसमें आप एक्सप्लेन करना चाहती थी तो बेसिकली आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहला तो है इंडिसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर और दूसरा हमारा हो गया है कि जो सेक्टर्स हैं तो इसमें दो बेसिक uh, टर्मोलॉजीज है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जब भी कोई स्टॉक में कन्वर्जेंस हो तो वो उस स्टॉक को आप परचेज या उस उस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं अगर डाइवर्जेंस है तो आपको मोर कन्फर्मेश चाहिए आप उस टाइम पे इमीडिएटली आप एंटर नहीं कर सकते उस स्टॉक में बेसिकली तो ये वाला ये मैं इस पे एक्सप्लेन करना चाहती थी आई होप आपको ये समझ में आया होगा नेक्स्ट प्रिंसिपल uh, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो पे बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ माई एक्सप्रेसो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट इसका बहुत पसंद आया और आप नेक्स्ट क्या सुनना चाहेंगे और नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे किस टॉपिक पे आप चाहते हैं और माई एक्सप्रेसो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू एवरी और फिर मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों की आदि है स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।